स्वयं प्रभा डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया नमस्कार दोस्तों इतिहास धारा की बदलती प्रवृत्तियों के ऊपर केंद्रित यह लेक्चर सीरीज जो आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है उस पर केंद्रित है इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बीसवीं सदी में विशेष रूप से 1920 से लेकर और 1960-1980 तक के बड़े कालखंड में जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हो रहा था उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और यहाँ हम किसी एक शख्सियत के ऊपर केंद्रित न होकर किस तरह से आधुनिक भारत के ऊपर इतिहास लेखन विकसित होता रहा इसका स्वरूप क्या रहा इस बाबत एक ओवरव्यू जिसे कहते हैं वह लेने की कोशिश करेंगे एक समग्र दृष्टि आप कह सकते हैं तो शुरू में ही मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह वह दौर था जब भारत में इतिहास अकादमिक स्वरूप ले रहा था अकादमिक स्वरूप से मेरा क्या मायने है इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे और यह जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि जो स्वरूप हम इतिहास की आज पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं या संदर्भ ग्रंथों में पढ़ते हैं जो डिसिप्लिनरी हिस्ट्री है जिस तरह से इतिहास कक्षाओं में पढ़ाया जाता है इसका पठन पाठन होता है इसका शोध हो रहा है वह पिछले 100 साल में 1980 के दशक में हम रुक जाएंगे कुछ कारणों से वह अभी स्पष्ट होगा तो उसका इतिहास क्या है उसकी कहानी क्या है इस अकादमिक इतिहास अकादमिक हिस्ट्री के बनने की कहानी भारत में यहाँ मैं आप सबका ध्यान एक बेहतरीन किताब की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा जिसके लेखक हैं मशहूर इतिहासकार दीपेश चक्रवर्ती और इसका नाम है द कॉलिंग ऑफ हिस्ट्री यह बीसवीं सदी के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार सर जादुनाथ सरकार के ऊपर केंद्रित पुस्तक है और इस पुस्तक में दीपेश चक्रवर्ती सर जादुनाथ सरकार और महाराष्ट्र के दूसरे इतिहासकार उनके समकालीन इतिहासकार सर देसाई के साथ उन दोनों के चिट्ठी पत्री से बात शुरू करते हैं और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में किस तरह से इतिहास भारत में आकार ले रहा है इसकी दास्तान कहते हैं यहाँ एक महत्वपूर्ण कथन जो दीपेश चक्रवर्ती हमारे सामने लाते हैं वह यह है कि भारत में इस युग में जिस युग की बात हम कर रहे हैं 1900 से 1950 1960 के दशक की बात वहाँ इतिहास का स्वरूप जितना विश्वविद्यालय अकादमी के भीतर तय हो रहा था उससे कतई कम यह सार्वजनिक बहसों और विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट के बाहर नहीं हो रहा था तो जब हम इतिहास को एक विषय के रूप में उभरता हुआ देखते हैं तो अकादमिक जगत और सार्वजनिक बौद्धिक चिंताएं बहस इन दोनों की वह संधि पर हमें इतिहास के विकास को स्थित करना होगा तो इन दो छोरों को और इनके अपने पारस्परिक संबंधों की बात है जो आज के इस लेक्चर में हम रेखांकित करने का प्रयास करेंगे तो ये एक पहलू इसका इस लेक्चर का होगा कि जो संस्थानात्मक इतिहास इतिहास से जुड़ी हुई जो संस्थाएं और जिस प्रकार से उन संस्थाओं ने इतिहास के स्वरूप को तय करने में मदद की उसकी बात और दूसरी इसका छोड़ होगा कि विश्वविद्यालय के बाहर किस तरह से सरोकार रहे इतिहास को लेकर यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए 1947 जब भारत आज़ाद हुआ उस समय देश में कुल विश्वविद्यालय की संख्या महज सत्रह थी दीपेश चक्रवर्ती की किताब में हम पाते हैं कि ब्रिटेन में भी भारतीय इतिहास को लेकर जो अकादमिक गतिविधियां हो रही थी इस दौर में वह उसका स्केल बहुत छोटा था तो ऐसे में हम इस पूरे दौर को कैसे रचें किस तरह की गतिविधियां हो रही थीं, उनका स्वरूप क्या था इस पर गौर करना जरूरी है यह हमारे लेक्चर की अगली कड़ी इसलिए भी हैं क्योंकि यदि आप पिछले लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हों तो हमने जिन शख्सियतों की बात की चाहे वह महाराष्ट्र में हो या फिर बंगाल में बंकिम चंद्र हों रविन्द्रनाथ टैगोर हों महात्मा गांधी हों ये किसी विश्वविद्यालय के दायरे से नहीं आ रहे हैं जो लोग इतिहास लिख रहे हैं और जिनका मैंने नाम लिया वे तो स्वयं को इतिहासकार कहने से भी हिचक रहे हैं उनका सरोकार इतिहास का अकादमी लेखन नहीं था यह दिगर बात है कि राष्ट्रवादी इतिहास दृष्टि को संवारने में उसको स्वरूपित करने में इनके महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं जिसकी बात हम करते आए हैं तो इनके अतिरिक्त भी जो लोग लिख रहे हैं इतिहास या अतीत को सिलसिलेवार तरीके से लिख रहे हैं उनमें भी अधिकांश राजनेता साहित्यकार पत्रकार आदि हैं तो इतिहास एक स्वतंत्र विधा के तौर पर इन लोगों ने इनमें से अधिकांश ने उसका पठन पाठन उसकी पद्धतियों को क्लासरूम में बैठकर नहीं सीखा लेकिन इनके अहमियत को और जिस तरह से अपने समसमय समसामयिक प्रश्नों से जूझते हुए ये अतीत की तरफ जा रहे हैं और इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण धुरी है वह एक ध्रुव है जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा यह भारतीय इतिहास लेखन को यूरोपीय हिस्टोरियोग्राफी और हिस्टोरियोग्राफिकल प्रैक्टिसेस से अलग करता है वहाँ अकादमियों का बोलबाला रहा और संस्थानात्मक गतिविधियाँ इतिहास की समझ को दिशा निर्देशित करती रहीं, जबकि भारत में हम आगे देखेंगे कि यह 1935 1930-35 के बाद ही इस तरह की संस्थानात्मक गतिविधियाँ गतिविधियों का जोर पकड़ा तो एक ये जो सार्वजनिक बहसों की बात मैं कह रहा हूँ अकादमी के बाहर इतिहास के सरोकारों की बात कह रहा हूँ वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दौर जैसा कि हम सब जानते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का दौर रहा जहां इतिहास भारतीयों के लिए अपनी पहचान अपनी अस्मिता और विचारधारा के साथ बहुत गहरे जुड़ा हुआ है इतिहास का प्रश्न अतीत का प्रश्न और यह जो आइडेंटिटी की केंद्रीयता है इसने भारत में इतिहास लेखन को या फिर कहें तो समाज विज्ञान को ही गहरे प्रभावित किया है आइडेंटिटी और या फिर आइडियोलॉजी और इतिहास लेखन के बीच के ताल्लुक ताल्लुकात के ऊपर एक लंबी बहस हो सकती है कुछ उन बिंदुओं को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में छूने की उनकी जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे लेकिन यहां महज मैं यह रेखांकित करना चाहता हूं कि जो उस समय के ज्वलंत प्रश्न थे उन प्रश्नों को ढूंढते हुए बुद्धिजीवी भी अतीत की तरफ जा रहे थे और इस तरह से राष्ट्रवादी चिंतन में पहचान का प्रश्न अस्मिता का प्रश्न एक महत्वपूर्ण भूमिका अख्तियार करता चला गया तो इस इतिहास के विकास यात्रा की बात करें इस दौर में तो इसे हम दो स्तरों पर समझने की आसानी के लिए यदि हम दो स्तरों पर रखकर देखें तो सहूलियत होगी एक तो राज्य का हस्तक्षेप राज्य से स्वरूपित होती हुई गतिविधियां हैं और दूसरा समाज का दायरा यहाँ जब हम राज्य की बात कर रहे हैं राज्य के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं तो गौरतलब है कि भारत में औपनिवेशिक राज्य इतिहास को लेकर बेहद सतर्क रहा इतिहास की राजनीतिक अहमियत से वह बखूबी परिचित था और पिछले लेक्चर्स में हम इस बात पर जोर देते रहे कि किस प्रकार बंकिम से लेकर महात्मा गांधी तक इतिहास और राज्य सत्ता के बीच का जो संबंध है उसकी आलोचना करते रहे तो भारत का औपनिवेशिक राज्य सरकार तय कर रहा था कि कौन से दस्तावेज प्रामाणिक माने जाएं और उससे अधिक उन दस्तावेजों तक किसकी पहुंच हो इन दस्तावेजों के पहुंच को लेकर वह बहुत सजग था दस्तावेजों और आर्काइव के उपयोग को लेकर यह जो एंजाइटी यह जो सतर्कता थी इसका सीधा संबंध जानकारियों की गोपनीयता से था राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ी हुई कौन सी दस्तावेज कब इतिहास के शोधार्थियों को के पहुंच के भीतर आई जिसने भारतीय इतिहास लेखन को महत्वपूर्ण रूप से जाहिर तौर पर प्रभावित किया और इस दिशा में हम देखते हैं कि 1860 के दशक से ही उसके शुरुआत से ही जब अठारह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता भारत की सत्ता क्राउन के, तर, के तरफ हस्तांतरित हुई तो उसके चंद सालों के बाद ही आर्काइव की महत्ता के प्रति हम चौकस औपनिवेशिक सरकार को देखते हैं और आर्काइव सरकारी दस्तावेज यह आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में इनकी कितनी अहमियत है इस बात को लेकर मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों में आम सहमति होगी इसलिए उस तरफ मैं विस्तार से यहाँ नहीं जा रहा लेकिन यह जो आर्काइव की कहानी है आर्काइव को एक्सेस करने की उस उसकी उस तक वो उस आर्काइव को इस्तेमाल करने की इजाज़त की यह भी बेहद दिलचस्प है अभी हाल ही में कुछ साल पहले प्रसिद्ध इतिहासकार सभी साची भट्टाचार्य ने इस पर एक सुंदर पुस्तक लिखी है जिसे आप देख सकते हैं तो एक तरफ़ तो कोलोनियल स्टेट है जो इतिहासकारों को दस्तावेज़ों का एक्सेस नहीं दे रहा है और दूसरी तरफ बंगाल में महाराष्ट्र में बुद्धिजीवी हैं इतिहासकार हैं जो व्यक्तिगत और प्रयासों के द्वारा संस्थान बनाकर प्रामाणिक देसी वैकल्पिक आर्काइव्स को जुटाने में साक्ष्यों को जुटाने में दस्तावेज़ों को जुटान एकत्र करने में जिन्होंने अपने जीवन लगा दिए तो ये दो अलग अलग ध्रुव हैं जिनकी तरफ मैं शुरू से इशारा कर रहा हूँ जैसे कि बंगाल में 1890 का दशक अक्षय कुमार मित्रा हम पाते हैं जिन्होंने सिराजुद्दौला उद्दौला में संतानवे में प्रकाशित किया और जिसके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि इतिहास लेखन का बंगाल में इससे एक नए दौर की शुरुआत होती है ये बंकिम चंद के लेखनी से प्रभावित थे और नए किस्म की साक्ष्यों को सामने लेकर आ रहे थे इसी समय अठारह में बंगीय साहित्य परिषद की स्थापना हम पाते हैं या फिर 1910 में बारेंद्र रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई तो सरकार के दायरे के बाहर सामाजिक धरातल पर कहें तो संस्थानात्मक तरीके से लोग बाग जुड़कर इतिहास के संधान की तरफ प्रेरित हो रहे हैं महाराष्ट्र में हमने पहले ही चर्चा की काशीनाथ विश्वनाथ रजवारे की और आगे भी हम बातें करते रहेंगे इस ओर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है जो कि महज एक लेक्चर में संभव नहीं है फिर भी कुछ इशारा कुछ जानकारियां तो हम साझा कर सकते हैं तो ये एक तरफ व्यक्तिगत प्रयास हो रहा है दूसरी तरफ सरकार का आर्काइव और दस्तावेज़ के तरह के प्रति एक खास किस्म का रवैया है ऐसे में एक महत्वपूर्ण पड़ाव 1919 में इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन के रूप में हमारे सामने आता है इसमें आठ सरकारी अफसर थे लेकिन साथ ही सर जादुनाथ सरकार जैसे कुछ इतिहासकारों को भी शामिल किया गया था इसका उद्देश्य एक तरह से कह सकते हैं कि दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की दिशा में एक कदम था लेकिन यहाँ बहुत कुछ खास हमारे सामने नहीं दिखता है दरअसल 1919 से 20 साल लग जाते हैं उन्नीस में जब अगोपनीय या नॉन कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट्स हैं वह सरकार बोनाफाइड शोधार्थियों के लिए उपलब्ध कराने को तैयार होती है स्वतंत्रता के बाद एक इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हम पाते हैं जबकि राष्ट्र के स्तर पर उपयोगी दस्तावेजों के रख रखाव उनके प्रिजर्वेशन उनके मैनेजमेंट और उन्हें किस तरह से शोधार्थियों को के लिए उपलब्ध कराया जाए इन सब और भी महत्वपूर्ण मसलों पर उन्नीस में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बिल पार्लियामेंट में पेश होता है तो आर्काइव जो केंद्र में है दस्तावेज जो केंद्र में हैं उन तक इतिहास की पहुंच हो इसमें 1860 से यदि हम देखें तो उन्नीस तक आते आते 100 साल गुजर जाता है यह प्रक्रिया और इसकी राजनीतिक संश्लिष्टता को समझने की ज़रूरत है अब फिर अपना ध्यान यदि हम दूसरे ध्रुव की तरफ ले जाते हैं हमेशा जैसा मैंने शुरू में भी कहा और बार बार मैं कहता रहा हूँ कि हमें सरकारी और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर अपना ध्यान बांटना होगा फोकस करना होगा उनकी अंतर क्रियाओं से ही इतिहास का स्वरूप तय हो रहा था इतिहास लेखन का स्वरूप तय हो रहा था तो गैर सरकारी पहल की तरफ आते हैं तो कुछ की तरफ मैंने अभी इशारा किया जहां मैंने बंगीय साहित्य परिषद की बात की या अक्षय कुमार मेहत्रा की बात की बारेंद्र रिसर्च सोसाइटी की बात की तो दो स्तर पर यहाँ भी हम मोटा मोटी देख सकते हैं एक तो व्यक्तिगत स्तर और दूसरा संस्थानात्मक स्तर गैर सरकारी संस्थाएं व्यक्तिगत स्तर पर हमने अभी बात की वे लोग जो राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में भी सक्रिय थे पत्रकार नेता आदि और ये इतिहास भी लिख रहे थे जैसे सुंदरलाल की किताब भारत में अंग्रेजी राज एक महत्वपूर्ण पढ़ाव है यहाँ इस स्तर पर जो इतिहास लिखा जा रहा था इस दौर में 1900 से 1960-1980 के दौर में वहाँ राष्ट्रवादी रुझान में एक जो ओवर थीम था जो एक एक सूत्र के रूप में आप कह सकते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को स्वरूपित कर रहा था वह था विविधता में एकता का मूल मंत्र इस स्तर पर राष्ट्रवादी इतिहासकारों के बीच भारत की समेकित संस्कृति उसकी संश्लिष्टताओं को उसके समृद्धि को रेखांकित करना उसको अपने विश्लेषण के दायरे में लाना और उसके जरिए विविधता में एकता के सूत्र की बात करना यह अहम था यह हमारा ध्यान स्वतः ही जवाहरलाल नेहरू की इतिहास लेखन की तरफ चला जाता है जहाँ इस सूत्र की खुलकर अभिव्यक्ति हमारे सामने आती है लेकिन जो साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वह है उनकी वैज्ञानिक दृष्टि नेहरू की वैज्ञानिक दृष्टि और इस बात को कहने का यद्यपि कोई इंपेरिकल इविडेंस नहीं है लेकिन यह कहा जा सकता है कि पिछले सत्तर अस्सी सालों में जिस एक व्यक्ति के इतिहास दृष्टि ने भारतीय इतिहास लेखन को सबसे अधिक प्रभावित किया चाहे वह स्कूल के पाठ्यक्रमों पाठ्यपुस्तक की बात हो या फिर शोध ग्रंथों की बात हो तो वह जवाहरलाल नेहरू ही थे इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा ग्लिंपेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखे और इतिहास को लेकर सजगता के साथ जितना नेहरू ने लिखा उतना जिन तीन चार शख्सियतों के बारे में हमने बात की बंकिम रविंद्रनाथ या गांधी उन्होंने उतना तो जाहिर ही सी बात है नहीं लिखा तो नेहरू के इतिहास दृष्टि की अलग से आकलन हो लेकिन यहाँ इस दौर में भी जब हम बात कर रहे हैं इतिहास के स्वरूप की तो वहां नेहरू एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में हमारे सामने आते हैं एक अद्भुत सटीक वैज्ञानिक दृष्टि के साथ जिस तरह से पश्चिम में इतिहास दृष्टि का विकास हुआ उसका एक कॉपी बुक एग्जाम्पल जिसे कहते हैं उनकी समय की दृष्टि एक रेखीय थी वे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत के इतिहास को हड़पन संस्कृति से शुरू करते हैं और क्रोनोलॉजिकली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और इस ढांचे को हमने बड़ी शिद्दत के साथ पिछले सत्तर अस्सी सालों में फॉलो किया है खासकर यदि हम राष्ट्रवादी और इतिहास के मूलधारा की बात करें भारत में वहीं विविधता में एकता की बात जो सांस्कृतिक स्तर की है तो वहाँ एक अन्य किताब एक महत्वपूर्ण कृति जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा वह ताराचंद की किताब इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर जो 1922 में आई बाद में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया लिखा या फिर के एम अशरफ की लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ पीपल ऑफ हिंदुस्तान तो इन ऐतिहासिक कृतियों में हम भारत की जो सिंथेटिक ट्रेडिशन है जो हारमोनियस ट्रेडिशन है उसका उसकी बानगी पाते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1960 के दशक में हम देखते हैं कि इतिहास लेखन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ गया यहाँ एक छोटी सी कहानी का जिक्र करना चाहूँगा कि इस समय जब मशहूर इतिहासकारा रोमिला थापर दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्य कर रही थी तो वे लिखती हैं कि उन्नीस सौ में जब एन की पाठ्य पुस्तकों को लिखने का काम शुरू हुआ तो उन्हें लोगों ने इस बात के लिए तैयार किया और वे राजी हुई वे मानती हैं कि इतिहास लिखना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी करने जैसी बात तो एक जो साइंटिफिक परस्यूट की बात है हिस्ट्री की पास्ट अतीत को लेकर मुकम्मल ज्ञान के खोज की बात है वह किस तरह से भारत में राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ जाता है इस तरफ मैं यहाँ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ दूसरी तरफ मशहूर इतिहासकार जैसे विपिन चंद्र हैं जो औपनिवेशिक काल भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ऊपर लिख रहे हैं इस दौर में 1970 और 1980 के शुरुआती वर्षों में और वहाँ राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरोकारों के इर्द गिर्द हमें दिखाई पड़ता है यहाँ स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास सेकुलरिज्म और या कम्युनलिज्माद के दो ध्रुवों के बीच और उन दो ध्रुवों की अहमियत के साथ हमारे सामने आता है इससे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के दस साल के मौके पर प्रांतीय भागीदारी स्वाधीनता संग्राम में जो हुई उन प्रांतों की भागीदारी को रेखांकित करने के लिए उनको उनकी तरफ ध्यान आकर्षित आकृष्ट करने के लिए उनके दस्तावेजीकरण पर जोर दिया गया जैसे ऐसे रिज़बी के संपादन संप क्षमा संप, करें ऐसे रिज़बी संपादित उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित अनेक वॉल्यूम में हम इतिहास के दस्तावेजीकरण को पाते हैं यह 1857 के सौ साल होने का भी समय था और इतिहासकारों का एक बड़ा हिस्सा बड़ा वर्ग अठारह की घटना की लड़ाई को अनेक पहलुओं से देखने की कोशिश करता हुआ हमें मिलता है 1970 और 80 के दशक में दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानियों के साक्षात्कार के द्वारा संस्थानात्मक पहलों पहल को हम देखते हैं और इनके द्वारा मौखिक इतिहास के संग्रह की अहमियत हमारे सामने खुलती है यही वह समय था जब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विचारों लेखनों को संग्रहित कर उनके प्रकाशन का भी काम हो रहा है जाहिर बात है कि मैं एक बड़े फलक की बात कर रहा हूं तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों की तरफ ही यहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ गैर सरकारी संस्थानात्मक गतिविधियों की तरफ यदि हम अपना ध्यान ले चलें तो 1935 में भारतीय इतिहास कांग्रेस की स्थापना हम पाते हैं जिसका पहला अधिवेशन भारत इतिहास संशोधक मंडल पुणे में हुआ दत्तो बामन पोतदार सुरेंद्र सेन और सफात अहमद खान शफात अहमद खान पहले प्रेसिडेंट थे इलाहाबाद के थे और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रूप में हमारे सामने आता है जिसका मूल उद्देश्य से सेकुलर और साइंटिफिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहित करना था देश में इससे पहले जैसा मैंने पहले जिक्र किया महाराष्ट्र में विश्वनाथ काशीनाथ रजवारे ने भारत इतिहास संशोधक मंडल 1910 में स्थापित किया था 1917 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम पाते हैं 1919 में ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस होता है और फिर 1935 में जैसा कि मैंने कहा इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की स्थापना हुई यहाँ मेरा उद्देश्य यह बताना है कि किस प्रकार इन परावों से होते हुए इन संस्थानात्मक गतिविधियों के जरिए इतिहास एक अकादमिक स्वरूप अख्तियार करता है बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में जब इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसके शुरुआती उद्देश्य में मूल उद्देश्य में इतिहास भारत में इतिहास लेखन की गुणवत्ता का नियमन करना है निष्पक्ष और मुकम्मल इतिहास लेखन को प्रोत्साहन देना है जल्द ही हम पाते हैं कि सेकुलर इतिहास लेखन का उद्देश्य इसमें जुड़ गया लेकिन यह सब कुछ बहुत सरल तरीके से या एकास्म तरीके से नहीं हो रहा है जैसे कि उन्नीस में हम इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में मोहम्मद हबीब का एक लैंडमार्क प्रेजिडेंशियल एड्रेस है जिसे इतिहास के जागरूक छात्र को जरूर पढ़ना चाहिए और वे कहते हैं कि साइंटिफिक इतिहास लेखन पर बल देते हुए इतिहासकारों को वे नसीहत देते हैं कि इतिहासकारों को अतिशय राष्ट्रभक्ति से बचना चाहिए तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद के साथ वैज्ञानिक और प्रोफेशनल ऐतिहासिक सोच का संवाद यह चलता रहा जल्द ही इसकी गुणवत्ता और इसका मानक अकादमियों विश्वविद्यालयों और समकालीन विद्वानों द्वारा तय होने लगा नवीन रूपों में नए विचारधाराओं के साथ और नए विषय वस्तुओं ने इतिहासकारों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना शुरू कर दिया और इन्हीं नए रुझानों इन नए विषय वस्तुओं के ऊपर हम अपने आगे के सफ़र में चर्चा करते रहेंगे जैसे कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन की तरफ हम आगे बात करेंगे या फिर भारत में सामाजिक इतिहास के बदलते आयामों की तरफ बात करेंगे और 1970 और 80 के दशक में कितना कुछ नया चल रहा है इस तरफ भी हम चर्चा करेंगे और फिर हमारे आज के समय में इतिहासकारों को इतिहासकारों ने किन नए सवालों के साथ किन नई पद्धतियों के साथ इतिहास को हमारे सामने नए नए रूपों में ढालने की कोशिश की है अतीत की नई व्याख्या और नए मुद्दों की तरफ हमारा ध्यान खींचने की कोशिश की है इस बाबत बात करते रहेंगे आगे आने वाले लेक्चर लेक्चर्स में शुक्रिया तो दोस्तों जिस राष्ट्रवादी फलक की बात एक बड़े कालखंड की बात हम इस लेक्चर में करते आ रहे हैं बीसवीं सदी के शुरुआत से लेकर 1960 सौ यहाँ तक कि 1980 के दशक तक यह सरोकार मोटा मोटी तौर पर लागू होता है और यहाँ हम जो बात सामने लाना चाह रहे हैं वह यह कि 19वीं सदी, सदी के तुलना में 20वीं सदी में भारतीय इतिहास लेखन जाहिर सी बात है नए कलेबर के साथ नई चुनौतियों के साथ हमारे सामने आता है और ये यह कलेबर या चुनौतियां महज कंटेंट के लेवल पर हमारा ध्यान नहीं खींचना चाहिए खींचती हैं बल्कि इसके इसकी जो पृष्ठभूमि है इस इतिहास के को स्वरूपित करने वाली जो स्वरूपित करने वाले तत्व हैं उनकी तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए और इस दिशा में इस लेक्चर में हमने तीन बड़े मुद्दों की तरफ बात करने की कोशिश की जो पहला मुद्दा है पहला पहलू है वह आर्काइव का मुद्दा है किस तरह से सरकारी दस्तावेजों तक इतिहासकारों की पहुंच बनती है इस दौरान उन्हें दस्तावेजों को पढ़ने के लिए उनको उन उनको एक्सेस करने के लिए कैसे अलग अलग समय में इस इतिहास लेखन को नई किस्म के चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ इससे जुड़ा हुआ मसला साक्ष्यों की प्रामाणिकता का भी है जब सरकारी दस्तावेज औपनिवेशिक फाइल्स सबसे अधिक प्रा, प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में इतिहासकारों के लिए मान्य हो जाते हैं लेकिन फिर क्या हम उन्हें उसमें जिस प्रकार से ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण मिलता है उन्हें हम ज्यों का त्यों सत्य मान लें उसके पीछे की पूर्वाग्रहों जो औपनिवेशिक राज्य के पूर्वाग्रह औपनिवेशिक अधिकारी उस राज्य के अधिकारियों के अपने पूर्वाग्रह आदि का मसला वह जुड़ जाता है जिस प्रकार से ये अधिकारी भारतीय समाज के अलग अलग वर्गों की मानसिकता पर अपना निर्णय दे रहे थे उससे जुड़ जाता है मसलन एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं, तो जिस तरह से आदिवासी आंदोलनों को आदिवासियों के की मान्यताओं को उनके द्वारा आंदोलन में शिरकत करने की बात को इन अंग्रेज अधिकारियों ने दर्ज किया उन्हें अंधविश्वासों से ग्रसित माना इसकी बात है जिस बाबत हम फिर से इतिहास इतिहासधारा के ऊपर विस्तार से चर्चा करने के क्रम में हम इन पूर्वाग्रहों की बात करेंगे और किस तरह से उन अंधविश्वासों को हम इतिहासकार देखें इन अंग्रेज अधिकारियों के लिखित बयानों को किस तरह से देखें ये किस तरह की नवीन चुनौतियों को हमारे सामने लाती हैं उसे देखें इस पर हम फिर से आगे चर्चा करते रहेंगे लेकिन यहाँ मुद्दा है कि सरकारी दस्तावेजों को और उनके पूर्वाग्रहों को किस तरह से देखें और यह जो सरकारी दस्तावेज इतिहासकारों को उपलब्ध कराया जा रहा है उसकी बात कैसे इतिहास में हम करें इन सरकारी दस्तावेजों के साथ स्वतंत्रोत्तर भारत में सरकारी प्रयास के द्वारा भी और व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा भी मौखिक इतिहास के संकलन की योजनाएं बनी जैसे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई स्वतंत्रता सेनानियों के मौखिक साक्षात्कार के द्वारा उनके आँखों देखी बातों का रिकॉर्डिंग करना तो जो 1960-1970 के दशक में जब मौखिक इतिहास अपने बहुत बाल्यावस्था में था उस समय भी इस तरह के इक्के दुक्के ही सही उदाहरण हमारे सामने आते हैं 1980 के दशक में कुछ अधिक विस्तार से ऐसी योजनाएं बनी साथ ही जो इन सेनानियों के प्राइवेट पेपर्स रहे साहित्यकारों के प्राइवेट पेपर्स रहे उनका संकलन उनकी अहमियत आधुनिक भारतीय इतिहास को बेहतर से समझने में इन बातों की तरफ ऐसे प्राइवेट पेपर्स को अलग अलग दूर दराज के इलाक़ों से जाकर संग्रह करना उन्हें पुस्तकालयों में जैसे कि नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता या फिर राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली इन जगहों पर सुरक्षित रखना और इतिहासकारों को मुहैया कराना ये तमाम पहल हो रहे हैं तो ये एक पहलू है लेकिन यहाँ इस पूरे दौर में खासकर जब हम राष्ट्रवादी इतिहास की बात करते हैं तो वहां इतिहास ऐतिहासिक साक्ष्यों को लेकर जो पुरानी समझ थी जो उनके प्रामाणिकता की बात थी उस सोच में बहुत अंतर हम नहीं पाते हैं इस सोच में अंतर बड़ा अंतर हमें 1970 के मध्य 1970 के दशक के मध्य के बाद और ख़ासकर 1980 के दशक में जब उपाश्रित इतिहास लेखन हमारे सामने आता है या फिर जब विभाजन का इतिहास आता है जिन पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे तभी ऐतिहासिक शख्सों के मामले में हमारे अपनी समझ इतिहास की समझ में एक बड़ा इजाफा होता है लेकिन इस पूरे दरमियान 1900 से लेकर 1960, सौ तक जो राष्ट्रवादी इतिहासकार और उनका उनके नजरिए में साक्ष ऐतिहासिक साक्ष्यों को लेकर कोई क्वालिटेटिव अंतर हम नहीं पाते हैं। साहित्य की बड़े पैमाने पर अनदेखा ही इस समय होता रहा उन्हें ऐतिहासिक उनकी ऐतिहासिकता पर और ऐतिहासिक रूप से साहित्य को नजरअंदाज या महत्वहीन माना जा रहा था तो ये तो हुआ साहित्यिक ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात आर्काइव की बात अधिकतर राष्ट्रवादी इतिहासकार अंग्रेजी स्रोतों का ही इस्तेमाल कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनके जेहन में अंग्रेजी स्रोत देसी भाषा में लिखे हुए स्रोतों की तुलना में अधिक मायने रखता था जाहिर सी बात है कि ये दस्तावेज या तो सरकारी महकमे से आ रहे हैं या फिर भारत में शैक्षिक शिक्षित मध्य या उच्च वर्ग के द्वारा यह दस्तावेज है इस दौरान भी बहुत कम उदाहरणों को छोड़ दें तो फैमिली पेपर्स प्राइवेट पेपर्स आदि का इस्तेमाल इतिहास लेखन में कम हो रहा है उनके संकलन महत्व की तरफ ध्यान जरूर जा रहा है इस दौर में लेकिन उनका इस्तेमाल होना और उनके इस्तेमाल के द्वारा राष्ट्रवादी इतिहास की नई समझ का आना अभी उसमें समय शेष था दूसरा पहलू सरकारी मध्यस्थता को लेकर है जिस पर हमने बहुत विस्तार से बात की इन साक्ष्यों इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराना संग्रह करना यह सब सरकारी हस्तक्षेप प्रोत्साहन के द्वारा ही संभव हो पाया लेकिन इस दौर में सरकारी हस्तक्षेप या जिसे कह सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सेंसरशिप से उसके उदाहरण कम ही मिलते हैं यह मुमकिन है कि सरकारी दखलंदाजी की तरफ मुकम्मल रूप से इतिहासकारों ने ध्यान नहीं दिया और आगे आने वाले समय में हमारे सामने इस बाबत और भी बातों का खुलासा हो कि सरकारी इंटरवेंशन ने सरकारी सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन मिले उसने भारतीय इतिहास लेखन को किस प्रकार से प्रभावित किया इस बाबत मुकम्मल एक पुस्तक जब तक नहीं आती है तब तक हमारे पास बहुत कम साक्ष्य हैं जो 1960-80 तक भी स्वतंत्रोत्तर भारत का राज्य किस तरह से इतिहास लेखन को प्रभावित कर रहा था आर्काइव के बनने में और वहाँ तक इतिहासकारों की पहुँच में उसके योगदान को लेकर तो लोग लिख रहे हैं लिखते आए हैं खासकर जो मैंने पहले भी जिक्र किया सविसाची भट्टाचार्य की किताब वह महत्वपूर्ण है <laughs> या फिर दीपेश चक्रवर्ती के द्वारा जदुनाथ सरकार के ऊपर लिखी हुई किताब में अनेक ऐसे जिक्र आते हैं तो जब हम सरकारी मध्यस्था से जुड़ा हुआ यह दूसरा पहलू यहाँ से इसके तार तीसरी अहम मुद्दे की तरफ जाते हैं और वह है कि इतिहास लेखन में संस्थानों का महत्व और उनका संस्थानात्मक संस्थानक स्वरूप का उभरना इस बाबत भी हमने चर्चा की लेकिन यहां साथ ही यह जोड़ता चलूं कि जो इतिहास की दृष्टि बीसवीं सदी के इस दौर में उभर कर आती है वहां प्रदेश में होने वाले ऐतिहासिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण तो हो रहा है जैसा कि हमने रिजवी साहब के उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता आंदोलन के प्रकाशन की योजना के बारे में जिक्र किया लेकिन जो प्रदेशों की प्रांतियों प्रांतीय इतिहास की समझ वह हमारे राष्ट्रवादी इतिहास की समझ को किस प्रकार परिमार्जित करे किस प्रकार वहाँ नए सवाल छोड़े इस बाबत राष्ट्रवादी इतिहासकारों के बीच अधिक चर्चा हम नहीं पाते हैं इस विषय पर पहली बार सशक्त चुनौती नव कैम्ब्रिजवादी इतिहासकारों के द्वारा हमारे सामने आती है जिसके बारे में भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे तो प्रदेश और राष्ट्र के बीच का संबंध इसका जो सैद्धांतिक मॉडल उसमें बहुत बदलाव हम राष्ट्रवादी इतिहासकारों के बीच नहीं पाते लेकिन जब हम इसके साथ साथ एक और मुद्दे की बात करें जहां हम कहते आ रहे हैं कि इतिहास का संस्थानात्मक पहलू उसका प्रभाव इतिहास लेखन इसके पठन पाठन और इतिहास की समझ को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है इससे एक बात स्पष्ट होती है वह यह कि उत्तरोत्तर इतिहास की गुणवत्ता इतिहास लेखन की गुणवत्ता पर फैसला करने का अधिकार विश्वविद्यालय और इन विश्वविद्यालयों के इतिहास विभाग के दायरे में यह सिमटता जा रहा है। एक किस्म की पियर रिव्यू की संस्कृति सामने आ रही है जहां इतिहास अपने मानकीकरण के लिए अब उन सामाजिक बुद्धिजीवियों पर निर्भर नहीं दिख रहा है जो 19वीं सदी के दरमियान महाराष्ट्र में या फिर जिसकी झलक हम बंगाल या अन्य जगहों पर पाते हैं और जिसके कारण बंकिम या रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा के बीच का जो दायरा था वह कहीं न कहीं संस्थान के भीतर अकादमियों के भीतर विश्वविद्यालयों के भीतर सिकुड़ता जा रहा था और ये अकादमी अकादमिक बहस इतिहास लेखन अपने को समाज से काट रहा था असंपृक्त कर रहा था कम से कम अंतर्दृष्टि तो सार्वजनिक बहसों से यह नहीं ले रहा था तो हम यहाँ एक तरफ तो पीयर रिव्यू और इतिहास का एक प्रोफेशनल कलेबर अख्तियार करते जाने की बात को देखते हैं और दूसरी तरफ यह इतिहास अपने को सार्वजनिक बहसों से कहीं न कहीं दूर भी करता जा रहा था साइंटिफिक और एकेडमिक रीगर इन दो दलीलों के साथ चर्चा जारी रहेगी जब हम नव कैम्ब्रिजवादी इतिहास के स्कूल की बात करेंगे या फिर उपाश्रित इतिहास लेखन की बात करेंगे वहाँ भी कई रूपों में राष्ट्रवादी इतिहास के तार हमें जुड़ते नजर आएंगे शुक्रिया